हाय हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यार हमारे यूट्यूब चैनल जो है उस पर कैसे ट्रैफिक लाया जाए, इंडिविजुअल वीडियोस के ऊपर कैसे ट्रैफिक लाया जाए, और जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम जो है यूट्यूब के ऊपर टोटली डिपेंड ना रह के यूट्यूब के अलावा भी कहाँ कहाँ से जो है हम थोड़ा थोड़ा पैसा जो है निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा यूट्यूबर्स के लिए जब वो एज ए हॉबी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, इवन ये फुल टाइम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कई लोग इसके लिए जो है एक बंदा रख देते हैं, वैसे तो यूट्यूब के लिए भी लोग बंदा रखते हैं कि भाई थंबनेल बना दिया, उसको जो है अलग अलग सोशल मीडिया पे डाल दिया, और वो सब करने के लिए रखते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो इसको आप देख लीजिए, किसी से भी करवाना चाहते हैं तो पहली चीज़ जो है क्रॉस क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे जो है आप अपनी अलग अलग लिंक्स रखें, है ना। तो जैसे कि आप जो है अपना इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डालें और यहाँ पे भी आप अपना यूट्यूब का चैनल जो है उसको डाल सकते हैं। तो जितने आपके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो एक बार आपकी चैनल जो है जाके चेक करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि हर एक जो वेबसाइट है ना उसका एक खुद का विजिटर बेस या तो यूज़र बेस, व्यूअर बेस होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम है तो उसका उसके मिलियंस ऑफ यूज़र्स व्यूअर्स हैं, तो वो जो है ना आपके YouTube चैनल पे आपको ट्रैफिक ला के दे सकते हैं। सेम तरीके से Facebook पे, तो Facebook वैसे उसका भी खुद का मोनेटाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको YouTube की लिंक नहीं डालनी है अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो की एज ए पोस्ट, बट आपको डायरेक्टली जो है आपको वैसे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये वाले जो यूट्यूबर है गैब्रियल ट्रैवलर, वो एक्चुअल में यूट्यूब की लिंक डाल रहे हैं। तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं, इससे भी आपके यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक आएगा, बट आप एक्चुअल में जो है ना यूट्यूब सॉरी फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से डायरेक्ट अपने वीडियोज़ ही डालने चाहिए, ना कि एक यूट्यूब की लिंक डालनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक जो है ना यूट्यूब को प्रमोट नहीं करता है। तो आप अपनी जो है यूट्यूब की चैनल की लिंक जो है यहाँ पे पेज डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वीडियोज़ ही अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद जो है फेसबुक है, क्या बोलते हैं कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ऐसे पांच छह जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको डाल देना है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो है ना क्या बोलते हैं कि रेडिट करके है, तो उसमें भी एक मैं पहले बताता हूँ, ये एक्चुअल में यहाँ पे आएगा। ओके, तो पिंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी आप अपने वीडियोस की लिंक डालें। तो जहाँ पे लिंक डालनी है तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, ट्विटर है उसको ऊपर लिंक डालनी है, हाँ, एक लिंकडिन रह गया। लिंकडिन के ऊपर भी आपको अपनी जो है क्या बोलते हैं लिंकडिन के पास भी बहुत बड़ा व्यूअर बेस यूज़र बेस है, तो उसके अंदर भी आपको अपनी लिंक्स डालनी है। क्या बोलते हैं कि ट्विटर के अंदर भी आपकी लिंक्स डालनी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके ऊपर आपकी वीडियो चैनल की जो लिंक है उसको प्रोफाइल में डालना है बस। और फेसबुक के ऊपर भी आप अपनी वीडियो को अपलोड करें, ये चीज़ हो गई। वीके करके एक प्लेटफॉर्म है और डेली मोशन करके प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर भी जो है आप अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट अगर पॉसिबल है तो करिएगा। वीके के अंदर भी जो है वीडियो मोनेटाइजेशन होता है। अब इंडिया में कितने लोग जो है उसको पैसे वो देता है वो मुझे पता नहीं है, बट आप चालू तो करिए, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ना अब आपको क्या करना है, आपके इंडिविजुअल यूट्यूब वीडियोस को जो है ना कहाँ फैलाएंगे जिससे कि आपके यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब वीडियोस पे ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टारगेट करना है क्वेश्चन आंसर फोरम्स अलग अलग कैटेगरी के, जिसके बेस पे आप वीडियोस बनाते हैं, या तो आप जो है कुछ वीडियोस ऐसे बनाइए कि जिसको आप इस तरीके के डिस्कशन फोरम या तो क्वेश्चन आंसर फोरम पे पोस्ट कर सके। तो जैसे कि कोरा है, उसके ऊपर अलग अलग फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन से जगह घूमने लायक है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो अगर आप किसी भी जोनरा में वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के आंसर में जो है आप थोड़ा सा चैट जीपीटी से यूज़ करके थोड़ा सा आप ड्राफ्टिंग करवाइए, प्लस उसके अंदर आप अपना लिंक डाल दीजिए। डायरेक्टली वीडियो की लिंक डालेंगे तो आपका पोस्ट डिलीट कर देंगे, तो कुछ लिखना भी पड़ेगा, प्लस आप अपना वीडियो लिंक डालिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक आएगा कोरा जैसे डिस्कशन फोरम से। तो यहाँ अलाउड है आपकी लिंक डालना। साथ ही साथ जो है आप स्टेक एक्सचेंज करके वेबसाइट है, यहाँ ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो आपको जो है ना इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो है स्पैमिंग कर रहा है। आपको सही तरीके से जो है इसमें से, ये बहुत सारे डिस्कशन फोरम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोरा के अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन फोरम होते हैं। सेम तरीके से स्टैक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होते हैं, तो आप इसमें से जिस चीज़ का जो है वीडियोज़ बना रहे हैं तो उसको आप डिस्कशन फोरम में जाइए, और कोई क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन आपका वीडियो है तो वो वीडियो जो है अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ इसके अंदर डालिए। स्पैमिंग नहीं लगना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वीडियो इंस्टेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आता है इस तरीके के एमबीए डिस्कशन फोरम, किसी भी तरीके के एंट्रेंस के डिस्कशन फोरम्स होते हैं, तो वहाँ पे जाइए, और अगर आपका वीडियो जो है कोई चीज़ का आंसर दे रहा है तो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये एक और जो है MBA एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन का फोरम है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर GMAT प्रिपरेशन फोरम है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सभी जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ ना, खास एक चीज़ दिमाग में बैठाइए कि हर एक ये वेबसाइट के पास अपना खुद का बहुत बड़ा यूज़र बेस है, समझ रहे हैं? यूज़र बेस मतलब कि इस वेबसाइट को लाखों लोग जो है देख रहे हैं, तो वो लाखों लोग आपके वीडियो को भी देख के एक बार देखेंगे, तो ट्रैफिक जो है ये वेबसाइट के थ्रू आएगा, है ना? यहाँ पे आपको यूट्यूब के सर्च के थ्रू आपका वीडियो आता है, वो एक अलग बात है, यहाँ पे सीधा जो है आपको ट्रैफिक मिलेगा सीधा। सो CUET करके एग्जाम आता है, उसका डिस्कशन फोरम है ना। अब यहाँ पे जो है आपको एक क्या बोलते हैं, ट्रिप एडवाइजर करके है, तो यहाँ पे भी आपको जो है अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, और अपने प्रोफाइल के अंदर आपका यूट्यूब का या तो जो भी सोशल मीडिया है वो डालिए, और अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशन हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड आप एक वीडियो बना सकते हैं, और अपना जो है क्या बोलते हैं कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे सेम तरीके से एक ट्रिपोटो करके डिस्कशन फोरम है ट्रैवल का, तो यहाँ पे भी आप अपना वीडियो जो है डाल सकते हैं एज ए आंसर, है ना? उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू के अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, तो ये वाला जो है प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, वीडियो लिंक भी आई थिंक डाल सकते हैं, तो इसके अंदर भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेगा। और ये माउथ शट जो है ना, उसमें आप अगर सही से रिव्यूज़ करते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के फोटोज़ के साथ, रियल फोटोज़ के साथ, तो यहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इंडियन बेस्ड है आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड रिव्यू का जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भी जो है आप अपना डिस्कशन वीडियोज़ जो है डाल सकते हैं डिस्कशन के अंदर। उसके अलावा जो है काउच सर्फिंग जैसे प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा जो है यहाँ पे मीटअप के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना वीडियो जो है डाल सकते हैं किसी भी तरीके से, आप दिमाग लगाइए। फिर रेडिट करके प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी कोरा की तरह काफ़ी सारे डिस्कशन चलते रहते हैं, तो आप अपने आंसर को जो है एज ए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ जो है अपना वीडियो डाल सकते हैं। तो रेडिट के पास भी बहुत बड़ा व्यूअर बेस, यूज़र बेस है, तो आपके चैनल पे डायरेक्ट ट्रैफिक आएगा। तो ये जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ जो है हमने समझी है, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे जो है दूसरे वेबसाइट के यूज़र बेस को आप अपने यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली ला सकते हैं। उसके अलावा जो है ना दोस्तों, एक और चीज़ है जिससे कि आप यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हैं, डायरेक्ट पैसे यूट्यूब पे तो नहीं बोल सकते, बट यूट्यूब पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक ये वेबसाइट से भी आएगा। साथ ही साथ जो है आप जो है क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट अपना वीडियोस बना के उसको सेल कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्या होता है ना कि भाई व्यू आएंगे नहीं आएंगे तब तक हम बैठे नहीं रह सकते हैं, है ना? क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत कंपटीशन है, तो आपको क्या करना है, फाइवर पे आप अपना प्रोफाइल बनाइए, और आपको जो है ना काफ़ी सारे काम यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि कोई प्रोडक्ट दिखा के आपको उसका छोटा सा वीडियो बनाना है, रिव्यू वीडियो बनाना है, क्योंकि आजकल जो है ना दूसरे लोग जो है, कंपनियाँ जो है वो अपने सोशल मीडिया पर रियलिस्टिक रिव्यू वीडियोस, टेस्टिमोनियल वीडियोस चाहते हैं, और उसमें इंडियन की भी काफ़ी डिमांड है दोस्तों। तो यहाँ से वो काम आपको डायरेक्टली मिलेगा, और आप $5 से लेके जो है 20, 25, $50 तक का जो है अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग जो है कितना कितना पैसा ले रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर से स्टार्ट कर दीजिएगा। इससे दो चीज़ों की आपकी जो यहाँ पे फाइवर पे प्रोफाइल होगी उसके अंदर आपका यूट्यूब वीडियो चैनल का जो लिंक होगा उस पर ट्राफिक आएगा, प्लस आपको डायरेक्ट काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, अगर आप ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हैं या तो आप ऐसे कोई टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के आसपास में रह रहे हैं, तो आप कैसे जो है पैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि ये बंदा जो है आगरा के आसपास में रहता है, तो इसने क्या करा है कि आगरा के सामने खड़े रह के किसी को अगर कोई भी मैसेज देना हो, बर्थडे विश का मैसेज हो, या तो किसी भी तरीके का विश का मैसेज हो, या तो कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए वीडियो बनाना है जिसके बैकग्राउंड में रियल में ताजमहल हो। वैसे तो आजकल यार ये सब लोग ग्रीन स्क्रीन या तो AI से करके इसको कर सकते हैं, बट अगर रियलिस्टिक वीडियो कहीं किसी को चाहिए और इस तरीके का वीडियो बनाना हो, तो इस तरीके की सर्विस ये बंदे ने प्रोवाइड करी और काफ़ी तगड़ा पैसा कमाया है फाइवर से। तो आप भी जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, अलग अलग हमारे साउथ के मंदिर से, अभी जो अयोध्या मंदिर मतलब शुरू हुआ है, सोमनाथ का मंदिर है, द्वारका मंदिर है, वैष्णो देवी है, तो कहीं पे भी गोवा के बीच पे आप खड़े हो और वहाँ पे खड़े रह के किसी को कोई मैसेज जो है देना है बर्थडे विश का, तो इस तरीके के मैसेजेस की भी डिमांड रहती है, स्पेशली जो है क्रिसमस के टाइम पे इस तरीके के मैसेजेस की डिमांड रहती है ना? किसी को अपने फ्रेंड वगैरह को प्रैंक करने की एक काफ़ी डिमांड रहती है। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो कहाँ गया, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ गया है, AI सर्विसेज का पूरा आ चुका है। चलो वो मैं एक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा। यहाँ पे एक अदर करके एक लिंक रहता था लाइफ कोचिंग के लिए, काउंसलिंग, ट्रैवल एडवाइस, वो थोड़ा सा यहाँ पे इन लोगों ने हटा दिया है। चलो उसकी बाद
हम बाद में करेंगे, बट बेसिक आपको आइडिया लग गया है कि यहाँ पे जो है आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो है और भी YouTube पे ट्रैफिक लाने के लिए प्लस जो है एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जो है इसका जो है आपके मतलब कुछ सब्सक्राइबर बेस हो गए, एक लॉयल्टी फैन आपका जो है बनेगा, उसके बाद आप ये चैनल ये वेबसाइट से डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। बट तब तक जो है आप अपने जैसे कि हमने मैंने आपको बताया पिंटरेस्ट पे आप अपने वीडियोस को पोस्ट करें, लिंकडिन पे आप अपने वीडियोस को पोस्ट करें, कोरा पे आप अपने वीडियोस पोस्ट करें, जबकि फेसबुक पे आप अपने वीडियो को अपलोड करें, वीके पे अपलोड करें, डेली मोशन पे वीडियो अपलोड करें। तो सेम तरीके से जो है आपको ये वाला जो पेट्रॉन करके जो है प्लेटफॉर्म उस पर आपको अपने वीडियोज़ अपलोड नहीं करना है, वीडियोज़ की लिंक को पोस्ट करना है, जिससे कि आपको जो है ना ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी। सेम तरीके से जो है आप अपना मीडियम करके वेबसाइट है, यहाँ पे अपने ब्लॉग पोस्ट जो है डाल सकते हैं वीडियो लिंक के साथ, वीडियो के साथ, तो यहाँ पे भी आपको जो है ट्रैफिक मिलेगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सेम तरीके से आप अपना ब्लॉग स्पॉट जो ब्लॉगर करके है गूगल का प्रोडक्ट, उस पर भी आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड जो है यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, तो ऐड रेवेन्यू से भी जो है आपकी अर्निंग होगी, प्लस जो है आपके यूट्यूब चैनल पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, गूगल पे सर्च करेगा कोई भी। उसके अलावा जो है यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म है, शेयर स्किल जैसे प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी आप अपना कोई भी एक फ्री कोर्स डाल दीजिए और अपनी प्रोफाइल में अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दीजिए, बहुत दबा के जो है आपके चैनल पे जो है ट्रैफिक आएगा ये इस वेबसाइट के जरिए। साथ ही साथ जैसे पेट्रोन है उसी तरीके से कोफाई करके है, जो कि एक क्राउड फंडिंग टाइप का प्लेटफॉर्म है क्रिएटर्स के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो यहाँ पे भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए, अपने वीडियो की लिंक पोस्ट करिए। सेम तरीके से यहाँ पे जो है बाय मी ए कॉफ़ी करके है, तो यहाँ पे भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करिए, और ये जो है प्लेटफॉर्म सभी के सभी ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म उसके ऊपर जो है आपको पैसा तभी आएगा जब आपका एक लॉयल फैन बेस होगा। बट तब तक जो है ना आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके चैनल पे जो है ना ओवरऑल ट्रैफिक आए, आपके यूट्यूब वीडियोस आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ट्रैफिक आए, गूगल सर्च जो है उसके अंदर आपका चैनल है वो हाईलाइट हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको अपने वीडियो की लिंक्स को जो है पोस्ट करना है। उसके अलावा जो है आप क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है जैसे इंडीगोगो है, यहाँ पे आप अपना क्राउड फंडिंग क्रिएट करिए और एक वीडियो बनाइए क्राउड फंडिंग के लिए कि भाई मेरे को ये वीडियोस बनाने हैं, मेरे को ये गैजेट्स चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा फंडिंग चाहिए, ऐसे करके आप वीडियो बना के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये जो है प्लेटफॉर्म उसके ज़रिए आपके क्राउड फंडिंग का जो वीडियो है आपकी चैनल पे अपलोड हुआ है उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा, और धीरे धीरे आपके जो है चैनल पे भी ओवरऑल ट्रैफिक ये वेबसाइट के यूज़र्स के थ्रू जो है आ सकता है दोस्तों। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिए। उसके अलावा फैन ओनली फैन करके है, तो इसके ऊपर भी आप अपने वीडियो की लिंक्स को पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है पैसे तो कमा सकते हैं, बट आपका लॉयल फैन बेस होगा उसके बाद चांसेस है कि आप पैसे कमा सके। वैसे थोड़ा सा एडल्ट वेबसाइट है, बट फिर भी जो है आपको बहुत बढ़िया वाला ट्रैफिक जो है इसके ज़रिए आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से जो है आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो मैंने काउच सर्फिंग का भी बताया था, तो काउच सर्फिंग की भी जो वेबसाइट है उस पर भी जो है आप अपने वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से आइडिया लगा के, है ना। और उसके अलावा हेल्प एक्सचेंज है, हेल्प स्टे है, उसकी भी मैं चलो वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हेल्प स्टे करके वेबसाइट है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी आप जो है अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर आप अपना एक वीडियो बना के डाल सकते हैं कि भाई हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमको वॉलेंटियर्स चाहिए। भले ही आप वॉलेंटियर्स को बुला ना रहे हो या तो क्या बोलते हैं कि आपके पास रहने रहने के लिए जगह नहीं है, बट फिर भी आप एक वीडियो बना के इसमें डाल सकते हैं, है ना। तो उससे भी आपके चैनल पर ट्राफिक आएगा, इसके पास यूज़र बेस है। फिर सेम तरीके से हेल्पएक्स में आप डाल सकते हैं, वर्ल्ड पेकर्स के अंदर डाल सकते हैं, वर्क अवे के अंदर डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो है ना ये चैनल्स जो है जितने चैनल्स पर बोल सकते हैं ये वेबसाइट से उसके पास उसका यूज़र बेस है, वो यूज़र बेस को किसी ना किसी तरीके से जो है आपको अपने अलग अलग वीडियोस के ऊपर जो है देखने के लिए लाना है, और उसके बाद आप जो है अपने चैनल पे भी वो यूज़र्स जो है अलग अलग वीडियोस देखेंगे। तो बेसिकली आपके वीडियोस पे डायरेक्ट ट्रैफिक लाने के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है, और आपकी क्या बोलते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए लॉयल फैन बेस बनने के बाद यहाँ से भी अर्निंग हो सकती है, क्राउड फंडिंग कैंपेन के जरिए भी कुछ हद तक अर्निंग हो सकती है, फाइवर से जो है आपकी डायरेक्ट अर्निंग होना शुरू हो सकता है अगर आपके मोनेटाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो भी आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करिए। बाकी ये सब जो है आपके इंडिविजुअल वीडियोस पे डायरेक्ट ट्रैफिक लाने के लिए वेबसाइट है दोस्तों, ये सब वेबसाइट्स, और बाकी जो है ओवरऑल चैनल पे ट्रैफिक लाने के लिए पिंटरेस्ट है ना, लिंकडिन है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आप इसको तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी अगर फेसबुक पे आप अपने वीडियोस डालते हैं।
तो फेसबुक भी मोनेटाइजेशन इनेबल करके पैसा देता है दोस्तों। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। आई थिंक इस तरीके का वीडियो जो है ना मैंने आज तक देखा नहीं है कि ओवरऑल आपको आइडिया दे कि कहाँ कहाँ से जो है आपके यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियोज़ पे जो है ट्राफिक लाया जा सकता है ना, यूट्यूब सर्च के अलावा दूसरी वेबसाइट्स के कैसे जो है कैसे लाया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसके लिए मैं पार्ट 2 इसका बताऊंगा, तो उसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।